वेलकम स्टूडेंट्स, द लास्ट लेसन के फाइनल पार्ट में, या यूँ कहें लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। हमने जो पार्ट टू पढ़ा था उससे रिलेटेड हमने आपके कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, लेकिन शानदार ट्रिक के साथ। यानी आपको दो लाइन याद करनी है और इन पांच क्वेश्चंस के आंसर्स आप शानदार तरीके से बना देंगे। आइए समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड मिस्टर हेमल से डेट इट वॉज हिज लास्ट लेसन। मिस्टर हेमल ने क्यों कहा कि उनका अंतिम पार्ट था। मैंने आपसे कहा था कि एक लाइन आई है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन। वो वाली लाइन यहाँ भी चलेगी। मिस्टर हेमल सेड सो, मिस्टर हेमल ने इसलिए ऐसा इसलिए कहा बिकॉज द ऑर्डर हैड कम से लेकर और आपको स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लोरेन तक लिखना है। ही हैड टू लीव द स्कूल, और उन्हें वो स्कूल छोड़कर जाना था, या यूँ कहें ऐसा कहा क्योंकि एक ऑर्डर आ गया था बर्लिन से कि अब जर्मन ही भाषा ही पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन, और उन्हें छोड़कर जाना है अगले दिन। ये आदेश आया था इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा अंतिम पाठ है। क्वेश्चन टू, व्हाट ऑर्डर हेड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से क्या आदेश आया था, अब अलग से रटने की जरूरत नहीं है। ये रहा इसका आंसर, द ऑर्डर यहाँ से लेकर और लोरेन तक, यहाँ तक ये आदेश आया था। क्वेश्चन नंबर थ्री देखो, व्हाट हेड बीन पुट अप एट द टाउन हॉल या ओब्लिक बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड या टाउन हॉल पर क्या सूचना लगाई गई थी। वही सेम आंसर है, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन टू, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन, टू टीच ओनली जर्मन कहाँ तक, लोरेन तक, हेड बीन पुट अप एट द टाउन हॉल या बुलेटिन बोर्ड, जो भी क्वेश्चन में आए लिख देना। वाई वॉज मिस्टर हेमल सॉरी फॉर द पीपल ऑफ अल्सेस, अल्सेस के लोगों के लिए श्री हेमल क्यों दुखी थे। वही आंसर, द ऑर्डर से लेकर लोरेन तक। अब ये लाइन इसमें जरूर प्लस किए, नाउ दे कुड नॉट लर्न देयर ओन मदर लैंग्वेज एनी मोर। अब इस आदेश की वजह से वो उनकी मातृभाषा को और अधिक नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि अब आज के बाद में फ्रेंच भाषा वहाँ नहीं पढ़ाई जाएगी। ये सारी जो भी परेशानियां हैं उनकी एक ही वजह है, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। ही वॉज आल्सो सॉरी फॉर द केयरलेसनेस ऑफ द पीपल ऑफ अल्सेस इन लर्निंग फ्रेंच टिल नाउ। अभी तक भी जो फ्रांस फ्रेंच लैंग्वेज है उसके प्रति, सीखने के प्रति उनकी जो लापरवाही थी उसको लेकर भी वो दुखी थे। क्वेश्चन नंबर फाइव, Why did Mr. Hemal put on his special clothes that morning? श्री हेमल ने उस सुबह विशेष कपड़े क्यों पहने हुए थे। वही बात, the order had come, वो आदेश आया था, इसी वजह से उनका लास्ट लेसन बना स्कूल, ये यहाँ तक लीव द स्कूल यहाँ तक सेम हो गया। क्वेश्चन नंबर एक का आंसर, इट वॉज इन ऑनर ऑफ डेट लास्ट लेसन, उस अंतिम पार्ट के सम्मान में डेट ही हेड पुट ऑन इज फाइन संडे क्लोथ्स, उन्होंने उनके रविवार की विशेष सुंदर पोशाक पहनी थी। ये तो ये क्वेश्चन आंसर। अब हमने जहाँ से वो स्टॉप किया था वहाँ से आगे, आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, व्याकरण के बाद हमने एक पाठ लेखन में भी सीखा। डेट डे मिस्टर हेमल हैड नाउ कॉपीज फॉर अस रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। उस दिन श्री हेमल हमारे लिए शानदार राउंड यानी गोलाकार जो लेखन में फ्रांस अल्सेस लिखी हुई कॉपीज लेकर आए थे नई। दे लुक्ड लाइक फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, वैसा लग रहे थे वो कॉपियां जैसे कि स्कूल के कमरे में कोई फ्लैग्स फ्लोटिंग यानी तैर रहे थे। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, जो कि हमारे डेस्क पर किसी रोड पर लगाए हुए हों, टॉप यानी रोड के टॉप यानी ऊपर कोई वो लगाए हुए हों फ्लैग्स, वो ऐसा लग रहे थे जैसे कि वो पूरे कमरे में क्या कर रहे हों तैर रहे हों, ऐसी वो कॉपियां नज़र आ रही थी। ध्यान रखना, कॉपियां कैसी नज़र आ रही थी, दे लुक्ड लाइक फ्लैग्स, फ्लैग्स यानी जैसे कि कोई झंडे हों फ्लैग्स हों फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। ये मैंने सिखा दिया, फिर समझा रहा हूँ, मिस्टर हेमल नई कॉपियाँ लेकर आए थे, लिख कर क्या आए थे उनके ऊपर फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। आगे बढ़ते हैं, यू ओट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क,
आप देखोगे हर कितना बिजीता सेट वर्क यानी कितना व्यस्त था कार्य करने में, एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितना शांत था, क्वाइट यानी पीसफुल, बिल्कुल काम, एकदम बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट वहां पर थी। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रेचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, पेपर के ऊपर पेन को स्क्रेच करने की, पेन को रगड़ने की आवाज आ रही थी। द ओनली साउंड, यही आवाज आ रही थी। वन सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार कुछ भौंरे उड़ते हुए आए। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन उसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर सामान्य दिनों में आते तो बच्चों की क्या आदत होती है, उसके पास भौंरा भों करता हुआ आता है तो वो उसके कॉपी की पेन की यूँ दी, कॉपी की किताब की फेंकी, उसकी तरफ गया, फिर वो ऐसे मारा, ऐसे मस्ती करते। लेकिन आज उन भौंरों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब देखिए आप, नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर पीस हुक्स, छोटे छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया जो ट्रेस कर रहे थे यानी चित्रकारी कर रहे थे, बना रहे थे उनके मछली पकड़ने के कांटों को। एज इफ डेट वॉज फ्रेंच टू, जैसे कि वो भी फ्रेंच भाषा हो। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, छत के ऊपर कबूतर बहुत धीमी आवाज में कूड यानी कि उन्होंने भी अपनी आवाज निकाली। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या उन कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाना सिखा देंगे क्या। वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सॉ मिस्टर हेमल सिटिंग मोशनलेस इन चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, जब मैं लिखते हुए कभी भी मैंने ऊपर देखा तो मैंने देखा मिस्टर हेमल क्या कर रहे थे, मोशनलेस यानी गतिहीन होकर उनकी कुर्सी के ऊपर, चेयर के ऊपर बैठे हुए थे। गेजिंग का मतलब होता है किसी चीज को टकटकी लगाकर देखना, तो एक चीज को देख रहे थे उसके बाद में दूसरी चीज को देख रहे थे। एज इफ ही वॉन्टेड टू पिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट स्कूल रूम, एज इफ ही वॉन्टेड टू पिक्स इन हिज माइंड, जैसे कि वो उनके माइंड में पिक्स करना चाहते हों, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि उस छोटे से स्कूल रूम में हर चीज कैसी नजर आ रही थी, उस हर चीज को वो उनके माइंड में बसा कर लेकर जाना चाहते थे। फैंसी, फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, क्या बात है, 40 साल तक इस जगह पर कोई व्यक्ति रहा है और आज उसने 40 साल तक उन चीजों को कितनी बार देखा होगा, लेकिन आज वो व्यक्ति एक एक चीज को काफी देर तक टकटकी लगाकर देख रहा है। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, उसके खिड़की के बाहर जो बगीचा है, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने उसकी क्लास है, यानी इतने सालों तक वो आदमी रहा लेकिन आज हर चीज को गौर से देख रहा है। जस्ट लाइक डेट ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन ऑन स्मूथ, लेकिन अभी केवल मात्र जो डेस्क है, जो बेंचेज है, वो वॉन यानी पुरानी हो गई, स्मूथ यानी चिकनी हो गई, क्योंकि लोग उस पर बैठते थे, बच्चे बैठते थे, तो पुरानी होने से वो स्मूथ चिकनी हो गई है। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, और जो अखरोट के पेड़ थे बगीचे में वो लंबे हो गए। एंड द होप वाइन डेट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और जो होप वाइन यानी जो बेल उन्होंने लगाई थी वो बड़ी होकर ट्विंड यानी डबल दोरी होकर क्या हुआ, खिड़की से छत तक चली गई। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, उनका दिल कितना टूट रहा होगा जब इन सबको छोड़कर जा रहे हैं। हाउ इट ऑल पुअर मैन, बेचारे व्यक्ति, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबोव, उनकी बहन ऊपर कमरे में क्या कर रही है, मूविंग यानी इधर उधर मूविंग कर रही है, पैकिंग देयर ट्रंक्स, उनके बक्सों को पैकिंग कर रही है,
फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उन्हें ये देश छोड़कर जाना है। बट ही हैड द करेज टू हियर लेसन एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनमें ये साहस है कि उन्होंने अंत तक पूरा पाठ उन्हें सुनना था लेसन को, वेरी लास्ट अंत तक। आफ्टर द राइटिंग, राइटिंग के बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमने इतिहास में भी एक पाठ पढ़ा। एंड देन द बेबीज चेंटेड, उसके बाद बच्चों ने चेंटेड यानी बोला गुनगुनाया देयर, उनका बा बे बी बो बू, ये उनकी भाषा में उसने बोला। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउस रेड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, कक्षा में पीछे जो बैठा हुआ था बूढ़ा हाउसर, उसने अपना स्पेक्टेकल चश्मा पहन लिया और दोनों हाथों में उसने उसकी प्राइमरी यानी प्राथमिक भाषा की प्राथमिक कक्षा की पुस्तक को निकाला। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, उनके साथ वो भी उन लेटर्स यानी अक्षरों को स्पेल करने लगा, उनको बोलने लगा। यू कुड सी डेट ही टू वॉज क्राइंग, आप देख सकते हैं वो भी क्राइंग रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, भावनाओं से उसकी आवाज ट्रेम्बल यानी कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम डेट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, उसको इस तरीके से देखना बड़ा फनी यानी एंटरटेनिंग लग रहा था, मजाकिया लग रहा था, और हम हंसना भी चाह रहे थे और रोना भी चाह रहे थे। आ हाउ वेल आई रिमेम्बर इट डेट लास्ट लेसन, ओ मैं उस अंतिम पाठ को मुझे कितना अच्छा याद हुआ, मैं उसको कभी भूल नहीं सकता। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अचानक चर्च की घड़ी ने स्ट्रक बजाए 12। देन द एंजेलस की घड़ी में भी 12 बजे। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज, फिर प्रशिया के सैनिक जो ड्रिलिंग करके लौट कर आ रहे थे, उनके लौटने की ट्रम्पेट्स नंगाड़ों की आवाज हमने हमारी खिड़की से नीचे सुनी। मिस्टर हैमल स्टूड अप, मिस्टर हैमल खड़े हो गए, वेरी पेल, वो बहुत पीले थे, इन चेयर उनकी कुर्सी में। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने उन्हें इतना कॉन्फिडेंट कभी भी नहीं देखा था। आज वो इतने कॉन्फिडेंट थे जबकि उन्हें पता है कि उनका लास्ट दिन था। माई फ्रेंड सेड, उन्होंने कहा कि मेरे मित्रों, आई यानी वो कहने की कोशिश कर रहे हैं मैं, बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन, लेकिन किसी चीज से उनका गला रुंध गया, यानी वो कॉन्फिडेंट के साथ क्या हैं, बड़े दुखी हैं, बड़े उदास हैं, क्योंकि ये उनका अंतिम पाठ है। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर ब्लैक बोर्ड की तरफ घूमे, टुक अ पीस ऑफ चोक का एक टुकड़ा उठाया, एंड बियरिंग ऑन विद ऑल इज माइट, और अपनी पूरी माइट यानी ताकत को उन्होंने बियरिंग यानी इकट्ठा किया। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और उन्होंने लिखा जितना बड़ा वो लिख सकते थे। वाइव ला फ्रांस यानी फ्रांस जिंदाबाद, लिव लॉन्ग फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, फिर वो टहर गए और उन्होंने अपना सिर दीवार से सटा दिया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना एक शब्द कहे, He made a gesture to us with his hand, उन्होंने हमारी तरफ उनके हाथ से gesture किया यानी कि waving की। School is dismissed, you may go, school आज से dismiss किया जाता है, आप सब जा सकते हैं, और ये उनका the last lesson ही complete होता है। इसके शेष question answers हम आपको जो अगला चैप्टर पढ़ाएंगे उसके वीडियो में, इसके क्वेश्चन आंसर हम फ्रंट में दिखाएंगे। इसी तरीके से हम कंटिन्यू आपके लिए कंटिन्यू एक सीरीज बनाएंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन आंसर मिस नहीं हो। प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, ज़रूर लाइक करें, और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, थैंक यू।